ऐसे हो मैं बाहर की लाइट जला दूँ। अभी थोड़ी देर पहले लगभग 4-5 बजे बुक करी। कहाँ से लाइट जली है? आज मेरे यहाँ से लाइट ही नहीं जल रहा है, तो कोई अच्छी क्या बात है। चलो बाहर की जल गई है। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से आई हूँ, तो खाना बनाया नहीं था छोटा वाला भाई, कपड़े कपड़े थे तुम फैलाने के लिए। तो भाई और हस्बैंड दोनों लोग बिरयानी ले आए, उन दोनों ने बिरयानी खा लिया, हमने पराठा बना लिया अपने लिए और पराठा मैंने खा लिया था। आज मैं कभी लाइव नहीं आई थी क्योंकि ना हॉस्पिटल से बहुत लेट हो गई थी, लगभग 6:30 क्या 7:15 बज गए थे। हाँ तो इसलिए मैं आज लाइव भी नहीं आई हूँ, इतनी थक गई थी ना कि लाइव आने का टाइम ही नहीं मिला, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी। क्योंकि हॉस्पिटल में जाना ना और हॉस्पिटल से आना बहुत समस्या क्रिएट कर देता है। मैं लगभग 7 बजे के करीब आई हूँ, सुबह 8 बजे की गई है, कुछ बनाने की हिम्मत ही नहीं थी, एकदम थक गए थे। लगभग 9-9:30 बजे करीब भाई बिरयानी लेके आया, चिकन बिरयानी, तो हस्बैंड और भाई वो खा लिए, मैं खाती नहीं हूँ, बिटिया खाती नहीं, मैंने रोटी बना लिया था। बाकी रोटी बनाने के बाद ना नमक तेल और ये सब प्याज वगैरह काट के उसी से खा लिया था मैंने भी, प्याज खीरा ये सब काट के। क्या करूँ, हिम्मत ही नहीं थी खाना बनाने की, बीपी इतना लो हो रहा था। बाय गाइस, वीडियो बना के डाल रही हूँ, मैं लाइव भी नहीं आ पाई, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। बाय बाय, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, गुड नाइट। ध्यान रखिएगा आप लोग अपने, आजकल का मौसम सही नहीं चल रहा है, मेरे घर के लिए तो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरी और मेरी बिटिया की दोनों की तबीयत बराबर ख़राब रही। कम से कम 3-4 महीने हो गए ना, ज़िंदगी एकदम छक गई है, इतनी थक गई है ना कि मैं हॉस्पिटल से रुकी, आज तो संडे का दिन था, पूरा दिन बेकार चला गया। कल फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं बच रहा है कहीं आने जाने की, हॉस्पिटल किसी और कुछ बच ही नहीं रहा, मेरे समझ में मैं करूँ क्या करूँ। सब ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, सब भोलेनाथ सही करेंगे। बाय गाइस, गुड नाइट, आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश